हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और टॉपिक है स्लज फिल्टर प्रेस मशीन क्या होती है, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसके प्रॉपर ऑपरेशन के बारे में आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो दोस्तों फिल्टर प्रेस मशीन का उपयोग हम एसटीपी प्लांट के साथ में करते हैं। जो हमारी सलज होती है उसको हम ड्राई करने के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही यूज में लेते हैं। और ये जो हमारी सलज होती है, सलज हमारी फिल्टर प्रेस मशीन के द्वारा ही प्रॉपर ड्राई और उपयोग करने योग्य बनती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एसटीपी प्लांट, 30 केएलडी का है ये। केएलडी यानी कि किलो लीटर डेली, ये हमारा एसटीपी प्लांट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है सलज फिल्टर प्रेस मशीन के बारे में। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे पंप आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं स्क्रू पंप। दोस्तों ये हमारा सलज कलेक्शन टैंक है। सलज कलेक्शन टैंक में आकर सलज हमारी इकट्ठा हो जाती है और ये आप लाइन देख सकते हैं, इससे ये इनपुट लाइन दी हुई है और इस तरीके से ये इनपुट लाइन पर हमारे दो स्क्रू पंप लगे हुए हैं। इन स्क्रू पंपों को चलाकर हम सलज को इस तरह से ये सलज फिल्टर प्रेस मशीन के अंदर लेते हैं। तो दोस्तों सलज फिल्टर मशीन के साथ में ये हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, आप देख सकते हैं। और ये इसका जो लीवर है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी सलज फिल्टर प्रेस मशीन और इसमें आप देख रहे हैं ये पार्ट पार्ट में ये हमारे पार्ट वाइज दिए हुए हैं और बीच में हर पार्ट के बीच में ये हमारा कपड़ा लगा हुआ है। दोस्तों जब हमें सलज को इसके अंदर ड्राई करना होता है तो उस टाइम हमें इस जो हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम है इसको हमें चलाना होता है। ये इसका स्टार्टिंग पुश बटन है और ये इमरजेंसी स्टॉप है। अभी ये इमरजेंसी लगा रखा है, मैंने इमरजेंसी को हटा दिया और ये ग्रीन पुश बटन जैसे ही मैंने दबाया ये पंप हमारा स्टार्ट हो गया। और ये हमारा हाइड्रोलिक लीवर है, हम इस हाइड्रोलिक लीवर को दबाएंगे उतना ही यहाँ से हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं ये इसकी मेन शाफ्ट है और ये जो हमारे पार्ट हैं ये सभी आपस में एक दूसरे से सही तरीके से जो रेफरेंस में आ जाएंगे और बिल्कुल भी इनके बीच में गैपिंग नहीं बचेगी, तभी हम स्क्रू पंप चलाएंगे। ये हमारे स्क्रू पंप हैं, स्क्रू पंप के द्वारा सलज हमारी इस तरह से इनके अंदर आएगी और जो भी उसके अंदर लिक्विड होगा आप देख सकते हैं ये हमारी एक ड्रेन लाइन उठाई हुई है, जो भी लिक्विड होगा वो इस तरह से ड्रेन में आ जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये टूटी लगाई हुई है हमारी, ये सभी टूटी हैं। हमने इनको इस तरह से डाउन में कर देंगे तो ये बंद हो जाती है और इस तरह से हम इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे तो इसके अंदर जो भी हमारी सलज के अंदर जो भी लिक्विड होगा वो सब हमारी ये ड्रेन लाइन है, इस लाइन के अंदर लिक्विड जो भी होगा वो गिरता रहेगा और इस तरह से जो भी लिक्विड है पानी है सलज के साथ में वो इस तरह से ड्रेन में चला जाएगा। और ये इसके अंदर कपड़ा से हमारी जो सलज सलज है वो इसी में चिपक जाएगी
क्योंकि पंप हमारे रेगुलर चलते रहेंगे, पंप हमारी सलज को लिफ्टिंग करते रहेंगे और सलज हमारी इन कपड़ा के बीच में रुकती रहेगी और जो भी लिक्विड है, पानी है, वो इस तरह से ड्रेन में जाता रहेगा। और इस पे हमने ये एक प्रेशर गेज भी लगाया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों जो भी हमारी सलज है वो प्रॉपर तरीके से इसमें रुक जाएगी और जब हमारा पूरा टैंक एम्प्टी हो जाएगा तो हम अपने जो स्क्रू पंप हैं इनको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद ये जो हमने लीवर के थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर दे रखा था उस लीवर के द्वारा हम लीवर के द्वारा हाइड्रोलिक प्रेशर को कम करेंगे और जब हाइड्रोलिक प्रेशर कम होगा तो ये जो हमारी चकली दिखाई दे रही है थोड़ा पीछे को हट जाएगी और ये जो हमारे पार्ट हैं जिन पर आकर सलज हमारी चिपकी थी इनमें हम गैपिंग कर देंगे, इनमें लूजिंग कर देंगे और ये जो कपड़ा है इस कपड़े को इस तरीके से हम इसके बीच में जो भी सलज है ये हमारी ट्रे है सलज की और पूरी सलज को इस ट्रे में गिरा लेंगे और उसको हल्का सा हम ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद फिर हम सलज को या तो सेल कर सकते हैं या हम सलज को पार्क में यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है यहाँ पे, ये जो सलज फिल्टर प्रेस मशीन है हर साइड पर लगी नहीं होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी एसटीपी देखी हैं उनमें अधिकतर सलज फिल्टर प्रेस मशीन नहीं पाई जाती। तो इस तरह से दोस्तों ये सलज फिल्टर प्रेस मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे स्क्रू पंप के द्वारा सलज को इकट्ठा करते हैं और कैसे हाइड्रोलिक प्रेशर देते हैं, उस सभी के विषय में मैंने प्रॉपर विस्तार से बताया है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको इंटरव्यू में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस इक्विपमेंट पर चाहते हैं। और दोस्तों हमारा 1 मंथ का ऑफलाइन टेक्निकल कोर्स रहता है जिसमें हम थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइड पर ले जाकर हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर डीपली नॉलेज देते हैं और 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। और दोस्तों हमने बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा है, हम मात्र 5,000 रुपये लेते हैं, जिसमें कोई बच्चा दूर से है तो 1 महीने हॉस्टल फैसिलिटी फ्री और ट्रेनिंग 1 मंथ की और जॉब प्लेसमेंट, इतना सब कुछ मात्र 5,000 रुपये में। तो दोस्तों देरी किस बात की, आइए हमारा जनित स्केल्ड कोर्स ज्वाइन करें और आप भी टेक्निकल में एक अच्छी जॉब पाएं और जो साथी पहले से टेक्निकल में वर्किंग हैं वो भी अपनी टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने के लिए, पद प्रमोशन के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें जिससे हर बेरोजगार को जॉब मिल सके। मैं आपका साथी भरत, जय हिंद, जय भारत।